करीब 4 महीने बाद एक बार फिर से देहरादून की सड़कों पे, और आप देख सकते हैं कि कुछ विक्रम जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जनरली ये कम हो गए हैं सड़कों पे, और व्यक्तिगत वाहनों से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। और अभी सहारनपुर चौक से घंटाघर की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ पे जनरली बहुत जाम रहता था पहले, लेकिन आज सड़क काफ़ी खुली दिखाई दे रही है। क्या ऐसे ही ट्रैफिक रहता है गौरव? रोज लगभग रोज तो ऐसे नहीं रहता, पीक आस में आप चलेंगे तो काफ़ी ट्रैफिक होता है, जाम की वही सिचुएशंस है। अभी आप जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, जाम कभी भी चलते हुए उस पर नहीं लगता। जो बदतमीजी से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सड़क रोक के लोग अपनी कार या विक्रम या कोई भी वाहन खड़ा करते हैं, उन वजह से जाम लगता है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसकी वजह से जाम लगता था, या गलत पार्किंग जो लोग करते हैं उस वजह से जाम लगता है, क्योंकि जो थ्री व्हीलर्स हैं, विक्रम हैं, वो सवारी लेने के लिए जगह जगह खड़े हो जाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये खड़े हैं, हालांकि इन्होंने किनारे लगा रखी है थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जाम के कारण भी बनते हैं, और इनकी संख्या काफ़ी कम है आजकल। बसें भी नहीं चल रही क्या? नहीं, बसों में भी आजकल नहीं चल रही है, बसें काफ़ी कम चल रही हैं यहाँ पे। अभी एक्चुअली दुगना किराया जब से किया है, और लोकल में इतने ऑफिसेज अभी पूरा प्रॉपर खुला नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से दिक्कतें हैं, और बसें इसलिए चला नहीं रहे। तो कोरोना का एक फायदा दिखाई दे रहा है ट्रैफिक को लेकर मुझे, तो कि हैपजर्ड ट्रैफिक तो नहीं है कम से कम। अब इस पे देख लीजिए, अगर दो आदमी जाएंगे जिस तरह इतने ट्रैफिक में है, गाड़ी पार्क किया है, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रैफिक रुकता इन वजह से है, ट्रैफिक नहीं होगा। अब जैसे विक्रम है, सिटी बसेस जब चलती हैं, तो ये लोग दूसरे को आगे ना बढ़ने देने का जो इनकी नीयत है, जैसे कहा जाता है कि ड्राइवर इनके ये चाहते हैं कि सारी सवारियां हम ही लेके चले जाए, हम ही बिठाए, उस पर ये ज़्यादा दिक्कत आती है कि अपने ही साथी को दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अभी प्रिंक चौक के पास पहुंच गए हम, यहाँ पे काफ़ी जाम रहता है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स लगी हैं, लाल बत्ती हो जाती है तो रुकना पड़ता है। चौक है यहाँ पे, और थोड़ा सड़क भी कम है यहाँ पे, चौड़ी चौक की चौड़ाई काफ़ी कम है। यहाँ से आगे अब बढ़ गए हैं घंटाघर की तरफ, तो ऐसा अब लग नहीं रहा है कि कोरोना का कोई इफेक्ट रह गया है, क्योंकि जनरली लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, अपने काम धंधे पे निकल रहे हैं। हालांकि जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल कारोबार है, ये काम बिल्कुल चौपट हो चुका है। आपको चाय नहीं मिलेगी अब, अगर आप चाय भी पीना चाहें कहीं, तो मुझे नहीं लगता कि चाय की कोई दुकान खुली हो, कोई रेस्टोरेंट भी, क्योंकि इस तरह के नियम हो गए हैं कि वो रेस्टोरेंट चलाना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो गया है। होटल्स वालों की भी यही हालत है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री चौपट हुई है। क्या कहोगे गौरव? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री या कोई भी पर्यटक जब उत्तराखंड में आता है, तो उत्तराखंड में दो तरह के पर्यटक आते हैं, एक तो धार्मिक पर्यटन यहाँ पे काफ़ी होता है, और धार्मिक पर्यटन से बाद यहाँ पे लोग अपने पीस माइंड के लिए आते हैं, और पीस माइंड के लिए कब आता है इंसान? जब मेहनत करता है, घर पे काम करेगा, ऑफिस में काम करेगा, अपने व्यापार पे काम करेगा। कचहरी के पास से गुजर रहे हैं हम यहाँ पे जी। हाँ, तो उसमें जब पैसा कमाएगा, आज के डेट में जब जिंदगी थम सी गई है, हर एक परेशान है कैसे आए क्या है, तो इंसान अभी बाहर आने से वैसे भी डर रहा है कि कोरोना काल है, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। अब आपको एक मैं हास्यास्पद कहूंगा इसे, दो अस्पताल की नई बिल्डिंग जी बताए, हास्यास्पद मेरे को ये लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौता उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए पास चाहिए, स्टेट में कहीं भी जाने के लिए पास चाहिए, दूसरे स्टेट में जाने के लिए पास चाहिए, दूसरे स्टेट वाले को यहाँ पे आने के लिए पास चाहिए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई भी इंसान जब घूमने आता है तो चाहता है मैं टेंशन फ्री रहूँ, सब कुछ हो। अब वो चेकिंग हो रही है, आशा रोड़ी चौकी है, दारसन बॉर्डर है जैसे गढ़वाल में प्रवेश करने के लिए, तो यहाँ पे कई बार कुछ जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं या कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं 4-4, 5-5 घंटे हमें ट्रैफिक पे रहना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने भी जो टूरिज्म के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन आई है उसमें देखा है कि उसमें होटलियर्स के लिए गाइडलाइन है कि आप जो है, आपका जो गेस्ट होगा वो केवल होटल में ही रहेगा, आसपास के जो
पर्यटक स्थल है वहाँ नहीं जाएगा। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा है कि आपके होटल में कोई आ रहा है वो इधर उधर शॉपिंग करने ना जाए, कहीं घूमने ना जाए, तो आया क्यों है। तो बड़ी अजीबोगरीब गाइडलाइन बनाई है सरकार ने, और मैं पर्यटन विभाग से जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, अगर कोई टूरिज्म को भी साथ में बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस तरह की तो कम से कम मजाक न उड़ाएं टूरिज्म इंडस्ट्री का कि आप टूरिस्ट को कहें कि आप घूमेंगे नहीं। ये बेहतर ये होता है कि उनको बताया जाता कि आप मास्क पहनेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, या अन्य चीज़ें जिससे भीड़ भाड़ रेगुलेटेड टूरिज्म हो, जिससे कि भीड़ भाड़ पर्यटक स्थल पर इकट्ठी ना हो, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन होटलियर को बोला जाए कि आपका गेस्ट इधर उधर नहीं जाएगा और ये आपकी जिम्मेदारी होगी उसे रोकना, ये बात समझ में नहीं आई, क्या कहोगे आप? देखिए, ये तो वही बात होगी कि आपके आगे थाली रखी हुई है, आप होटल में गए, आपने खाना क्या ऑर्डर किया, आप होटल में खाना खाने के शौकीन है, ऑर्डर किया, आपके आगे थाली आई, लेकिन आप थाली नहीं खाएंगे, आप पूरी थाली को अपने रूम में लेके जाएंगे तब जाके खाएंगे, रेस्टोरेंट कुछ नहीं होगा। तो वही चीज है कि आप पर्यटक स्थल पर घूमने आए तो क्या होटल के अंदर ही सारा पर्यटन होगा? क्या टीवी अगर इंसान को देखना है तो क्या अपने घर पे नहीं देख सकता है? या पर्टिकुलर एक ही व्यू देख देख के बुरा नहीं होगा? अगर कोई अच्छा व्यू वाला होटल है तो चलो वो व्यू देख ले, थोड़ी देर देख ले, सुबह शाम चलो देख ले, लेकिन जब तक पर्यटक जगह जगह नहीं जाएगा तो उससे क्या होगा? और अगर जगह जगह नहीं जाएगा तो लोग और इंडस्ट्रीज जो चलती हैं, जैसे छोटे छोटे खाने वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उत्तराखंड में आपने देखा होगा मैगी बहुत चलती है, मैगी पॉइंट्स यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे में बनाते रहते हैं, वो सब बंद हो गया है। एक स्टेटमेंट में अखबार में पढ़ रहा था श्वेता चौबे जो CEO है यहाँ की, उनका कि सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक कोई मॉर्निंग वॉक करता हुआ दिखाई देगा तो उसका चालान होगा, उस पर जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाएं, योगा करें और मेडिटेशन करें और इस तरह के तमाम किस्म के क्वाथ पिए वो करें जिससे कि आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधकता बढ़े, लेकिन आप मॉर्निंग वॉक जिससे कि उसके जो बंदा घूम रहा है उसके फेफड़ों में फ्रेश इनटेक होना है ऑक्सीजन का, उसके फेफड़े मजबूत होने हैं, उसके लिए मना किया जा रहा है, ये तो मजाक है। देखिए, मजाक नहीं है, आप थोड़ा सा इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जब आप सुबह कभी निकलेंगे मॉर्निंग वॉक पे, मैं भी निकलता हूँ 500 की साइड, वहाँ पे 200 से ज्यादा लोग चलते हैं, बिना मास्क के चलते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। नहीं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, लेकिन मॉर्निंग वॉक से तो नहीं रोका जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन बिना मास्क के अगर कोई घूम रहा है फिर ऐसा होता है ना कि आप बार बार हर चीज को मॉनिटर नहीं कर सकते, प्रशासन के पास भी लिमिटेड पावर, लिमिटेड मशीनरी होती है, लिमिटेड लोग होते हैं, वो हर एक बार इन चीजों को देखते रहेंगे तो उसमें दिक्कत आती है। श्वेता चौबे का जो कहना है, हाँ वो ये कह सकती है अगर कोई बिना मास्क के दिखा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, वो चल सकता है, वो आपकी बात कह रहा हूँ, लेकिन इसमें हम लोगों को, जनता को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो फिलहाल देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का एक आसान सा तरीका कि ये हमारे पंत जी इन्होंने अपने ऑफिस में किसी को आना अलाउड नहीं कर रखा है, जो स्पीकर भी है वो भी है, अपना काम स्वयं कर रहे हैं, इसे सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा भी कह सकते हो आप। तो पंत जी नमस्कार, और आप लोगों से विदा लूंगा, और यहाँ पे आज से फिर देहरादून में अपना जो डेली रूटीन है वो शुरू कर रहा हूँ, और जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।